सिंध की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इंटीरियर सिंध से आप लोग बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं, अर्बन एरियाज़ पर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कराची में माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतनी कामयाबी नहीं हासिल की जितनी आप लोग की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्या वजूहत हैं इसकी, क्यों आते हैं इसकी, और इस बार क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? देखिए, इस बार हमारा ख़ास फोकस अर्बन एरिया कराची में है। बिलावल, चेयरमैन बिलावल साहब ने ये ख़ास तौर पर मेक श्योर किया है कि यूथ टैलेंटेड न्यू फेसेस, फ्रेश फेसेस को टिकट्स जारी किया जाए, जो मकामी लोग हों, जो उधर अपने रेजिडेंस के अंदर अपने नेबरहुड के अंदर काम करते हों और वो ऑलरेडी उनकी एक अपनी स्टैंडिंग हो। तो मुझे नेशनल असेंबली का कैन 248 का जिम्मेदारी दी गई है और हम इस बार इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। इवन दो कराची ने हमें उस तरीके से वोट नहीं दिए, लेकिन इसके बावजूद हमने बहुत काम किए कराची के अंदर, और इस बार बिलखसूस सेंट्रल के अंदर हमारे पास पूरी तैयारी से हम आए, हमने हर सीट के ऊपर अपने कैंडिडेट्स को रन थ्रू किया है और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए एक स्पेसिफिक प्लान्स है, हमारे पास कराची के लिए स्पेसिफिक प्लान्स हैं और हमें पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे पास स्पेसिफिक मैनिफेस्टो है। अच्छा, ये प्लान्स आपके पास उस वक्त हैं जब आप पिछले 15 साल 3 टेन्योर्स अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में पूरे कर चुकी है, तो ये अभी सिर्फ प्लान्स क्यों हैं, इन पर इम्प्लीमेंट माजी में क्यों उस तरीके से नहीं हो सका कि ये अभी भी प्लानिंग की हद तक ही मैं देखिए जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है सिंध में वो किसने की है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो की है, क्योंकि सिंध जितनी भी आपने देख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक रेवोल्यूशन आ रहा है, आपने ग्रीन बसेस, रेड बसेस देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि रोड कारपेटिंग चल रही है, बड़ी बड़ी शाहराओं के आर्टरीज के ऊपर कारपेटिंग हो रही है, डिफरेंट अंडर पासिस बन रहे हैं, फ्लाईओवर ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, ये किसने की है? MQM ने तो नहीं की, ना जमात इस्लामी ने की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और वो फंड्स लगा रही हैं पब्लिक के अंदर, वाटर के मंसूबे उन्होंने इनिशिएट किए हैं, और अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अब कितना फ़र्क पड़ा है कराची के अंदर, जब से मेयर ऑफिस भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब लीड कर रहे हैं उसको, और सिंध गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, तो अब इम्पैक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है और आप देखिएगा कि मज़ीद और हम काम करेंगे इस कराची को, और कराची को वो दर्जा देंगे जो आज तक नहीं वो मिल सका उसको। हसन साहब, ये पिछले 15 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर रही, अब उसमें मियारी तालीम और मियारी सेहत तो हर एक शहरी का बुनियादी हक होता है, आपका ख़ुद भी चूँकि शोबे तालीम से ताल्लुक़ है इसलिए बड़ा रेलिवेंट आपसे सवाल बनता है कि ये पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 सालों में सिंध में जो तालीम का निज़ाम था उसका क्या हाल किया, सिंध में जो सेहत का निज़ाम था वो इस वक्त किन हालों में, तो जिन हालों में है उसको देखते हुए क्या फिर एक आप एक नए कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए, आपको या दूसरे कैंडिडेट्स को लोग यहाँ वोट करेंगे? देखिए, कराची की आवाम अब बाशऊर हो चुकी है, उन्होंने 35 साल से जिन लोगों को वोट किया है वो हमेशा ऑपोजिशन में रहे हैं और उन्होंने सिवाय इस फॉल क्राई करने के इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अगर कराची की आवाम हमें इलेक्ट करती है और हमें MPAs और MNAs इलेक्ट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो काम आपको दिखेगा, आपको काम नज़र आएगा। जहाँ तक आपने एजुकेशन की बात की है, वी हैव डन लॉट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के की अपलिफ्टिंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली ही टीचर्स लाइसेंसिंग पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि जो भी हमारी टीचर्स हमारी लाइसेंसिंग के ऊपर हों वो अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हेल्थ के अंदर तो चेयरमैन बिलावल साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया है सिंध के अंदर, आप NICVDs देख लें, आप कराची हार्ट डिजीज़ के इंस्टीट्यूट्स देख लें, आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स देखें, हेल्थ सेक्टर तो इतना मजबूत किया है। इसके अलावा जो चेयरमैन बिलावल साहब ने अपने 10-पॉइंट एजेंडा जो पेश किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, उसके अंदर 3rd पॉइंट में एजुकेशन हेल्थ केयर की बात की, उन्होंने अपनी ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात की, उन्होंने सोलर एनर्जी के ऊपर बात किया जिससे आपको 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड। क्या पीपल्स पार्टी 15 सालों में ऐसा कोई एक स्कूल बना सकी जिसमें उनके आपके अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से किसी कोई मिनिस्टर्स के या पॉलिटिशियंस के उनके अपने बच्चे रिलेटिव्स वगैरह पढ़ सकें वहाँ पर? देखें, अभी इंटीरियर से जैसे कराची की मैं जैसे बात करता हूँ, कराची के अंदर अगर मैंडेट नहीं मिला है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो एक हकीकत है, और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मैंडेट मिल सके। जो जहाँ तक इंटीरियर की बात है, इंटीरियर में ऐसे स्कूल्स बने हैं, लेकिन अगेन ऑब्वियसली क्योंकि हम एक अर्बन सिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे बच्चे उधर नहीं जा सकते, तो वी नीड मोर रिफॉर्म। इसी वजह से एज एन एजुकेशनिस्ट आई हैव जॉइंड द पार्टी सो दैट आई कैन ब्रिंग रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, और इसी यही वजह है कि हम जैसे लोगों को चुना गया है पार्टी की तरफ से ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें और गवर्नमेंट के अंदर आके अपनी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और देखें, लाइक आई सेड, कराची
को पता है कि अब उनको उन लोगों को इलेक्ट करना है जिनके पास रियल पावर है, अब जो काम असली में करवा सकते हैं। देखिए, हमें वी डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड डिवाइड, वी डोंट वांट टू डिवाइड द कराची पॉपुलेशन इनटू एथनिसिटीज़, ठीक है। हमें ना रिलीजन के नाम पे हमें वोट लेना है, ना हमें किसी इसका, हमें हम जैसे मीर साहब ने कहा, हमें यूनिटी के साथ, हाँ हम सिख, हमें रियल पावर तो पब्लिक होती है, पब्लिक डिसाइड करती है कि किसके पास रियल पावर होनी चाहिए। पब्लिक ये कैसे परस्यू करे कि वो जिसके पास रियल पावर है हमें उसको वोट देना है, ये रियल पावर से क्या मुराद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का एक हकीकत है और पिछले कई अरसे से सिंध के अंदर वो हुकूमत कर रही है, ठीक है। अभी मेयर का ऑफिस भी मुर्तजा वहाब साहब के अंडर है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट काम तेज़ी से चल रहा है। तो रियल पावर ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के अंदर पावर पब्लिक के पास ही होती है, लोगों के पास ही होती है, और फिर वो वोट देते हैं अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करने के लिए। अगर हम जैसे नुमाइंदे हों जो आवाम के अंदर ही रहते हैं, उनके साथ सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके मोहल्लों में रह रहे हैं, और उनके हम ऐसे नहीं है कि हम कहीं रूरल सिंध से इंटीरियर से उठ कर आए और हम बस वोट मांग रहे हैं। हम कराची के सिटीजन हैं, मैं कराची का बेटा हूँ और हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और समझते हैं, और हमने अपनी डिफरेंट सर्विसेज के अंदर जो ओवर द इयर्स हमने इन पर्सनल कैपेसिटी हमने प्रूव किया है, उनको हम प्रूव करेंगे कि हम कैसे गवर्नमेंट में आके एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे सकें कराची को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, और बिलखसूस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।